दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि जब भी आप किसी को कॉल करोगे तो आपका नंबर नहीं जाएगा, तो शायद तुम यकीन ना करो। सुनने में फेक लग रहा है बट ये सच है। मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूँ कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को या फिर अपने बॉयफ्रेंड को घर में किसी को भी बार बार फ़ोन करके परेशान कर सकते हो, क्योंकि फ़ोन तो आप ही करोगे बट आपका नंबर नहीं जाएगा। अगर आपको ऐसा करना है तो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहना, और हाँ, जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसा अगर हो जाए तो वीडियो को लाइक कर देना यार, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अब आपको डिस्क्रिप्शन में एक एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा, उस एप्लीकेशन को आप जा करके डाउनलोड कर लेना। अब गाइस, डाउनलोड करने के बाद में ये एप्लीकेशन इस तरीके का आपको दिखाई देगा। इसके बाद में आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में आप सबके सामने इस तरीके का इंटरफेस आ जाता, आपसे यहाँ पर अलाउ की सेटिंग मांग लेता। आप यहाँ पर इसको अलाउ कर लेना। अलाउ करने के बाद में आप सबके सामने यहाँ पर इस तरीके से इंटरफेस आ जाता है। या तो आप इस तरीके से इसको स्किप कर लें या फिर आपको ऊपर की तरफ स्किप का बटन दिखाई देगा। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा एक्सपीरियंस नाउ। ठीक है, आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐड आएगा, तो आप इसको इग्नोर करके एक बार बैक आ जाना। ठीक है, आपको यहाँ पर दिखाई देगा सेट नाउ। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ सेट नाउ पर जाने के बाद में यहाँ पर आप अपना नंबर दे सकते हो। ठीक है, जैसे कि अभी मैं यहाँ पर मेरा नंबर ऐड कर लेता हूँ। इसके बाद में आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद में फिर आप सबको यहाँ पे इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाता है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आपका नंबर, आपके पास OTP आ जाएगा। वैसे तो गाइस, सबसे पहले तो आपके पास में क्या आएगा, आपके यहाँ पर एक इशू बताएगा। ठीक है, वो आपको कुछ प्रॉब्लम बताएगा। इसके बाद आप यहाँ से बैक आ जाना। बैक आने के बाद में ना आप सबके सामने फिर इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। यहाँ पर आपको स्टेट बताए जाएंगे, तो अपन को जैसे कहाँ पर फ़ोन करना है, अपन को इंडिया में ही फ़ोन करना है, तो आपको इंडिया कंट्री सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में फिर जिसको भी आपको फ़ोन करना है ना, तो आपको उसका नंबर यहाँ पे ऐड कर देना। जैसे कि मैं यहाँ पर हर कुछ नंबर ऐड कर देता हूँ, वो इसलिए क्योंकि मैं यहाँ पर रियल में किसी को फ़ोन कर नहीं सकता, क्योंकि मैं अभी मेरा फ़ोन में भी माइक लगा हुआ है और अभी मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो इस हिसाब से मैं यहाँ पर फ़ोन नहीं कर सकता। जब भी आप किसी को भी अपना फ़ोन नंबर, अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर या अपने बॉयफ्रेंड का नंबर, जब घर में किसी का भी नंबर आप यहाँ पर लगाओगे ना, उसके बाद में जब भी आप कॉल पर सिलेक्ट करोगे तो उसके पास में फ़ोन चला जाएगा, लेकिन आपका नंबर नहीं जाएगा और उसके पास में अलग ही नंबर जाएगा। या तो 10 से कम नंबर जाएंगे या फिर 10 से ज़्यादा नंबर जाएंगे। अब वो 11 भी हो सकते हैं या 12 भी हो सकते हैं। और उसके अलावा अगर अजीब ही नंबर होंगे, वो इस तरीके का नंबर तो अभी तक किसी भी सिम में नहीं है। स्टार्टिंग के नंबर ही उसमें इस तरीके के होंगे जो अभी तक बने ही नहीं। तो इस तरीके से आप उसको फ़ोन कर सकते हो। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट का ऑप्शन भी दिखाई देगा, जिसको आप यहाँ पर परमिशन देने के बाद में उसको उसके नंबर यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, भैया जैसे मेरे फ्रेंड के नंबर है, मैं इसको हाइड कर लेता हूँ। इसके बाद में फिर आप जब भी इस पर फ़ोन करोगे ना गाइस, फ़ोन करने के बाद में ना उसके पास में अलग ही नंबर चले जाएंगे, और इस तरीके से आप उसको फ़ोन कर सकते हो, इस तरीके से आप उसको परेशान कर सकते हो। लेकिन गाइस, आप इसका कोई गलत इस्तेमाल मत करना। अगर आप ये सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, अगर आप इसका कोई गलत इस्तेमाल करते हो तो मतलब इसकी जिम्मेदारी फिर आपकी होगी, चैनल की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो गाइस, इस तरीके से आप इसको यूज़ कर सकते हो। ये सिर्फ एक मजाक के तौर पे ही ये वीडियो, तो ठीक है, इस तरीके से आप किसी को भी फ़ोन करके परेशान कर सकते हो। तो गाइस, इतना था इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना, और हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोज़ रेगुलर मिलते रहते हैं। तो गाइस, यही था आज के इस वीडियो में।